ग्वालियर के जियोजी विश्वविद्यालय के परीक्षण में हाथ की हथेली पर नकल लिखकर लाई एक छात्रा को अनुचित साधन का प्रयोग करने के आरोप में पकड़ा गया है। जियोजी विश्वविद्यालय के परीक्षण में बुधवार को दोपहर 2 से 5 की पाली में बीएड सेकंड सेमेस्टर का प्रश्न पत्र आयोजित था। यहां 1200 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे। कक्ष क्रमांक 8 में तैनात महिला पर्यवेक्षक को एक छात्रा द्वारा अपनी हथेली को बार बार देखे जाने से कुछ शक हुआ और जब महिला पर्यवेक्षक को छात्रा के पास पहुंची तो उसके बाएं हाथ की हथेली में कई प्रश्नों के उत्तर लिखे थे। उसमें बड़े सलीके से हथेली से उंगलियों तक लिखा हुआ था। महिला पर्यवेक्षक ने छात्रा के खिलाफ प्रकरण तैयार कराया। नियमानुसार नकल की प्रति भी अनुचित साधन के प्रयोग के प्रकरण में जब्त की जाती है, लेकिन उक्त छात्रा हथेली और उंगलियों पर प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाई थी, इसलिए उसके हाथ की फोटोकॉपी करके मूल कॉपी से सुसंबद्ध किया गया। नकल प्रकरण बनाने के बाद छात्रा को दूसरी कॉपी दे दी गई। परीक्षा केंद्र के प्रभारी का कहना है कि इस मामले में गठित अनुचित साधन के प्रयोग वाली कमेटी जल्दी सारे सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। सर, एक छात्रा पकड़ी नकल करते हुए क्या पूरा मामला रहा है? आज 2 से 5 की पाली में बीएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा है, जिसमें लगभग 1215 विद्यार्थी परीक्षा भवन में रजिस्टर्ड हैं। तो ये छात्रा 8 नंबर कक्ष में थी और ये छात्रा हाथ के ऊपर अपने हथेली के ऊपर नकल लिख कर लाई थी। महिला इन्विजिलेटर चूँकि 8 नंबर में है तो ये छात्रा देख कर लिख रही थी, तो उसके ऊपर संदेह हुआ महिला इन्विजिलेटर को। तो जब संदेह हुआ तो उसको चेक किया गया तो उसके हथेली के ऊपर पूरा जो मैटर है वो लिखा गया। अब चूँकि हमारे जो अनुचित साधन प्रकरण होते हैं उसमें हमको साक्ष्य लगाना पड़ता है कि कोई भी हमको जिससे नकल कर रहा है कोई, वो साक्ष्य लगाना पड़ता है। तो हमने उसके लिए विकल्प के तौर पे उस छात्रा के हाथ को फोटोकॉपी मशीन के ऊपर रखा, उसकी फोटोकॉपी की ताकि वो एक प्रूफ जो है वो नकल प्रकरण में लगाया जा सके, और तत्पश्चात अनुचित साधन प्रकरण की कार्रवाई करके और छात्रा को दूसरी कॉपी देकर परीक्षा में फिर बैठने का अवसर दिया गया है। तो उसमें क्या प्रावधान रहता है, किस तरीके से? इसके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से एक अनुचित साधन प्रकरण के लिए एक समिति बनती है। उस समिति में इन जो ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जिनको अनुचित साधन प्रकरण इस्तेमाल करने के प्रथम दृष्टया आरोपी माना जाता है, उनको सुनवाई का एक अवसर दिया जाता है और उसमें वो समिति जो होती है फिर वो आगे की जो सज़ा होती है वो निर्धारित करती है कि पेपर कैंसिल करना है कि बरी करना है या जो भी निर्णय लेना है वो समिति निर्णय लेती है।